नारायणपुर अलवर से प्रदीप जानवर की रिपोर्ट। नारायणपुर कस्बा में मानसरोवर जोहर पर स्थित परशुराम भवन में बुधवार को शकुंतला रावत के द्वारा गणेश जी की पूजा अर्चना कर व धूप देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में परशुराम भवन पर पूर्व प्रधान घनश्याम शर्मा के द्वारा 61 किलो लड्डुओं के बराबर शकुंतला रावत को तोलकर व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उसके पश्चात सब्जी मंडी के पास बांसूर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत के द्वारा प्रातः 10 बजे कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन भागीरथ प्रसाद एडवोकेट ने की, अध्यक्षता पूर्व प्रधान घनश्याम शर्मा ने की। कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन के समय बड़ी संख्या में जन सैलाब मौजूद था। इस कार्यक्रम के अतिथिगणों का भी माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बांसूर कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत ने बताया कि मेरे सामने चक्कर लगाने वाले किसी पार्टी के हो चाहे निर्दलीय हो, दोनों पर ही लक्ष्मी मेहरबान है और मेरे पास सिर्फ जनता जनार्दन है। इसलिए मेरे सामने एक दिग्गज जाए और उससे बड़ा दिग्गज आते हैं, यही बड़ी मुश्किल है। कोई जन नेता तो आता नहीं, लेकिन आप सब केंद्र वो ताकत है जो लाठी में नहीं, जो बंदूक में नहीं, जो पैसों में नहीं, जो मन की ताकत, हाथ पुलों दिमाग ताकत है, तो आप है। पूरा बांसूर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, मैंने परिवार मानकर ही अपना माना है। और यहीं स्थानीय की बात में भी नारायणपुर कस्बे के समीप मंडावरा ग्राम पंचायत की ढंकी ढानी बेटी हूँ। मेरा क्रम भी आप है, मेरा धर्म भी आप है, मेरी पूजा भी आप है और मेरा उद्देश्य भी आप है। उद्घाटन के समापन के बाद कांग्रेस पार्टी के चुनाव का कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन किया है, खोला है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव का हमारी एक नेशनल पार्टी है, जनता के जन की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, आम व्यक्ति की पार्टी है, जिसने कि कुछ करके दिखाया है। अब जुमले की पार्टी से निजात पाने के लिए जनता में जोश है, आक्रोश है।